ये जो बिहार में हो रहा है, इतना लोकतंत्र में अपमानित कभी नहीं हुए होंगे। ये शर्मनाक घटना है, निंदनीय है। अगर महिला सदस्य है उसको भी पुलिस ने उठा करके फेंक दिया बाहर। विधायक को किस तरीके से आईपीएस आईएएस लोगों ने मारा है, अगर ये सीमा लोकतंत्र में होगी तो लोकतंत्र ये समझ लो नहीं चल पाएगा। इसके बाद तो जनता है, और अगर जनता में उबाल आ गया तो सोचो कैसे संभाल ले जाएंगी चीजें। इसलिए जहां उत्तर प्रदेश में और बिहार में लोकतंत्र की सब मर्यादाओं की धज्जियां उड़ गई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने बिहार विधानसभा में जो हुई नेताओं की पिटाई के लिए अखिलेश यादव जी ने बड़ा बयान दे दिया था, और अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर बताया था कि बिहार विधानसभा में सशस्त्र बलों द्वारा विधायकों पर हमला आपराधिक कृत्य है। सड़क पर बेरोजगार युवाओं पर भी जो हमले हुए वो दिखाते हैं कि सत्ता मिलने के बाद भाजपाई सरकारें जनता को क्या समझती है। निंदनीय है, बिहार में लोकतंत्र पर कातिलाना हमला हुआ है। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो भी साझा किया था। दोस्तों, बिहार विधानसभा बिहार में जैसे हालात है उससे भी खराब हालत उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव जी का आपने वीडियो सुना होगा, क्या कुछ कहा, और आइए सुनते हैं आगे क्या कहा था अखिलेश यादव जी ने। किसी मुख्यमंत्री की क्या भाषा ही हो सकती है, ठोक दो। क्या मुख्यमंत्री भाषा ये बोलेंगे कि ठोक दो? अगर ये भाषा मुख्यमंत्री बोलेंगे तो सोचो पुलिस क्या करेगी। और उसी का परिणाम है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब हो गया है। आए दिन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, आए दिन लोग सताए जा रहे हैं, आए दिन लोग के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो व्यवस्था पुलिस को अच्छी दी थी, 100 नंबर, नाम बदल दिया, 112 कर दिया, क्या सुधार किया उसमें? कहते हैं कि बहुत अच्छी योजना है स्वास्थ्य विभाग में। हम जानना चाहते हैं गरीबों को कहाँ इलाज मिल रहा है, कहाँ उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। और फिर ये तो डिप्टी सीएम का जिला है, सरकार से सीधा संपर्क है। हमने और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, और जो माहौल है, जनता इस बार इनका सफाया करेगी। और जब कौसाम्बी में आए हैं तो ये जिला पूरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। शून्य जिला विधायक जिता करके भेजेगा भारतीय जनता पार्टी।